हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से जिन बच्चों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है उनके लिए अलग से एडमिशन के लिए तारीख को आगे बढ़ा दी गई है। यानी कि आपकी जो सीएलसी थर्ड राउंड के लिए जो डेट आ चुकी है, यदि आपने अभी तक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर या पीजी में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो आप अभी एडमिशन ले सकते हैं। इसकी जो डेट है वो आगे बढ़ चुकी है, तो मैं बताता हूँ कि आपकी कौन सी कितनी डेट आगे बढ़ी है। यदि वीडियो आप नहीं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलो देखते हैं। जैसे ये दिख रहा है, इसके अंतर्गत आपको दिख रहा है कार्यालय आयुक्त उच्च विभाग संचालन सतपुड़ा भवन भोपाल की तरफ से आया है, जिसकी जो डेट है वो लिखा रही 1/8/24, यानी कि ये 1 अगस्त को आया है, जिसमें लिखा रहा है स्नातक एवं स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु समय सारणी सीएलसी थर्ड राउंड। यानी कि आपका जो सीएलसी जो थर्ड राउंड है उसकी जो डेट है वो आ चुकी है। यानी कि अभी तक आपने जो कॉलेज में यदि एडमिशन नहीं लिया तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आपका जो सलाह जिसकी जो डेट है वो मैं बता देता हूँ, जिसकी जो डेट है वो है ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए 2/8 से 10/8 तक। यानी कि आपके पास 2 तारीख से 10 तारीख तक का समय, यानी कि आपके पास 8 दिन है। 8 दिन के अंदर आप अपने जो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपका पास उसके बाद आपका जो नाम है वो लिस्ट में आएगा कॉलेज में, यदि कॉलेज की लिस्ट में आपका नाम आएगा तो उसके बाद आपको फर्स्ट जो पेमेंट है वो करनी होगी, यानी कि फीस भरनी होगी। पेमेंट करने के बाद ही आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो पाएगा। यदि आप पहले आवेदन कर देते हो लेकिन फिर उसके बाद यदि आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपका जो एडमिशन वो कैंसिल हो जाता है। इसे बहुत सारे बच्चों का एडमिशन इस कारण कैंसिल होता है क्योंकि वो ऑनलाइन तो कर देते हैं लेकिन उनका जब नाम आ जाता है तो वो उसकी जो फर्स्ट फीस है वो नहीं भरते हैं, जिससे कर उनका जो नाम है कॉलेज तरफ से हट जाता है लिस्ट से। जैसे मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या डेट रहेगी, इसकी जो डेट है वो इसमें लिखा रही है कार्य के विवरण और स्नातक, यानी कि ये यूजी और पीजी दोनों के लिए दे रखी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं तृतीय सीएलसी चरण हेतु ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ, जैसे ये चालू होने वाला 2/8 से 5/8 तक, यानी कि 2/8 से 5/8 तक तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 5/8, यानी आज 5/8 के बाद आप इसको आवेदन नहीं कर सकते, लिंक क्लोज हो जाएगी। उससे पहले आपको अपने आवेदन करना होगा। उसके बाद आपका जो आवेदन करने के बाद आपको जो अपने दस्तावेज है यानी कि अपने डॉक्यूमेंट है वो 2/8 से 5/8 के बीच में जमा भी करने पड़ेंगे। और जो अंतिम तिथि है वो भी इसकी जो है वो भी 5 तारीख तक ही लास्ट है। उसके बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट ओपन होने वाली है जिसे आप आवेदन कर देंगे, उसके बाद 7/8 को आपकी जो मेरिट लिस्ट ओपन होगी जिसमें आपका नाम होगा। यदि आपने नाम नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं हुआ, यदि आपका नाम आ चुका है तो उसके अंदर आप एडमिशन ले चुके हैं। और उसका जो तारीख रहेगी वो 7/8 को आपकी जो एडमिशन लिस्ट ओपन होगी। उसके बाद आपकी जो एडमिशन लिस्ट ओपन होने के बाद आपको उसका प्रवेश शुल्क भुगतान करना होगा, यानी कि आपको जो फर्स्ट किस्त है वो आपको पे करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो 7/8 से 10/8 तक का टाइम देगा, यानी 2-3 दिन का टाइम आपके पास रहेगा जिसमें आप अपनी जो फर्स्ट पेमेंट है उसको कर दें। यदि उस पेमेंट को आप नहीं करेंगे तो आपका जो कॉलेज की तरफ से एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। यदि अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कराया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जिससे आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर भी आपको कॉलेज की लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। यदि आपने तक ज्वाइन नहीं किया जल्दी ज्वाइन करें, वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू।